हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य हेतु को एक अहम टॉपिक माना जाता है। कविता लिखने के प्रेरक तत्व या कविता लिखने के कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। इसे मूलतया दो भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। एक भाग में संस्कृत विद्वानों के अनुसार जो काव्य हेतु बताए गए हैं उन्हें लिया जाएगा और दूसरे भाग में हिंदी विद्वानों के अनुसार जो काव्य हेतु बताए गए हैं उन्हें लिया जाएगा। संस्कृत विद्वान काव्य हेतु के तीन प्रकार मानते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभा होती है, नेचुरल टैलेंट होता है, उसके कारण वो कविता लिख पाते हैं, इसको प्रतिभा काव्य हेतु कहा जाता है। कुछ ऐसे कवि होते हैं जो देख करके सीखते हैं, दूसरे कवि को कविता करते देखते हैं और सीख जाते हैं, तो इसे देख कर सीखने को व्युत्पत्ति कहा जाता है, तो इसे व्युत्पत्ति काव्य हेतु कहा जाएगा। कुछ ऐसे कवि होते हैं जो अभ्यास करते 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 धीरे धीरे कविता करने लग जाते हैं। तो ये संस्कृत विद्वानों ने तीन प्रकार माने हैं काव्य हेतु के, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आधुनिक विद्वानों के अनुसार काव्य हेतु तीन ही हैं, प्रेरक, निमित्त और उपादान। प्रेरक काव्य हेतु क्या होता है? प्रेरक काव्य हेतु में जब कोई व्यक्ति या कवि स्वयं के जीवन से संबंधित प्रसंग से प्रेरित होकर कविता लिखता है वहाँ प्रेरक काव्य हेतु माना जाएगा। यदि इस पे अधिक गौर करें तो हम देखेंगे प्रेरक काव्य हेतु क्या है। प्रेरक काव्य हेतु में व्यक्ति स्वयं से प्रभावित प्रेरित होता है अपने ही जीवन से और कविता करता है, जैसे निराला ने जूही की कली और सरोज स्मृति जैसी कविताएं लिखी अपनी पुत्री सरोज के जीवन से प्रेरित होकर के ये कार्य उन्होंने संपादित किया। निमित्त काव्य हेतु क्या होता है? जब कल्पना और चमत्कार से प्रेरित होकर कोई कविता लिखी जाती है या कविता की पुस्तक लिखी जाती है, जैसे रीतिकालीन कवि केशवदास की किताब है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका में अनेक प्रकार की कल्पना और चमत्कार दिखाए गए हैं और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो निमित्त में केशवदास की रामचंद्रिका और केशवदास की रामचंद्रिका के साथ साथ मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत को भी लिया जा सकता है। उपादान काव्य हेतु में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कवि दुनिया से प्रेरित होकर अपने अनुभव के आधार पर लोगों और घटनाओं का वर्णन करता है वहाँ का उपादान काव्य हेतु होता है। जैसे मीराबाई ने मीरानी गरबी लिखी है और कबीरदास ने बीजक जो है वो उसकी प्रस्तुति की, हालांकि कबीरदास अनपढ़ थे और उनके शिष्य धर्मदास ने इस पुस्तक का की प्रस्तुति करी है। अब यदि हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमने ये देखा कि सब काव्य हेतु जो है उसकी परिभाषा क्या है। काव्य हेतु संस्कृत विद्वानों ने तीन माने हैं और हिंदी विद्वानों ने भी तीन माने हैं। अब काव्य हेतु की विशेषताएं, लक्षण या प्रकृति हम देखें तो चार पांच रूप से हम इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं, लक्षण या प्रकृति को समझ सकते हैं। विशेषताएँ क्या है? काव्य हेतु प्रतिभा पे आधारित होता है, प्रेरक, निमित्त और उपादान इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, ज्ञान और विचार पर आधारित होता है, सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है काव्य हेतु में, काव्य का आधार है काव्य हेतु, प्रासंगिक और साहित्य उपयोगी विषय भी इसे माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि काव्य हेतु एक अहम टॉपिक है, अहम विषय है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।